hello everyone in this video we'll discuss a poem the title of which is the splendor falls written by alfred lord tennyson tennyson is a leading victorian poet victorian poet victorian age is between 1837 to 1901 this was a period during which queen victoria the british, ruled the british throne. lord alfred tennyson also remained the poet laureate of his country. poet laureate of his country between 1850 till his death in 1892. this poem splendour fall is a short lyric poem. And it is a part of a larger narrative poem, the title of which is The Princess. The Princess is a serio comic, serious comic, long narrative poem written by Tennyson and published in 1847. In this poem, a princess whose name is Ida establishes a woman. यूनिवर्सिटी ऑल वुमेनिवर्सिटी वी आर द मैन आर फॉबिडेंट टू एंटर इस पोएम में द प्रिंस पोएम में एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है पब्लिस फोर्टी सेवन उसमें प्रिंस एडा जो है एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करती है वुमेन यूनिवर्सिटी जहाँ पर मैन जो है अलाउ नहीं है एंटर करने के लिए एंड देर ऑल्सो नॉट अलाउ टू मैरी एंड द स्टोरी गोज फॉर्वर्ड तो दिस पोएम वॉज रिटन इन अ टाइम वैन वुमेन एजुकेशन वॉज not possible. We, women education, women did not have the equality in education. so at such time, this poem, the princess was considered one of the poems, one of the works, literary works, that upheld the education of the women. usame is poem considered one of the poem, just upheld the education of women. but uh, this theme or the, the story has nothing to do with this. Poem The Splendor Fall. It is a very simple lyric poem. In the background of this poem, the speaker is standing on a hill and the setting is sunset. Setting is sunset. So you imagine.

सन रेज और सनलाइट ऑफ डॉन सूर्यास्त की किरने सो द स्पलेंडर इज अ नेम चेंज सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट अटोनमी द स्पलेंडर फॉल्स ये जो सन रेज है वो गिर रही है कहाँ ऑन द कैशल वॉल्स देर आर द कैशल देर इज अ कैशल देर मे बी कैशल्स तो उसके वॉल पर क्या है ये सन रेज जो है गिर रही है धूप जो है आ रही है और धूप किसके ऊपर आ रही है ऑन स्नोवी समिट्स स्नोवी समिट्स क्या हो गए स्नो से बर्फ से लदे हुए माउंटेन के समिट उस पर भी धूप आएगी तो स्नोवी समिट के ऊपर ओल्ड इन द स्टोरी ओल्ड इन स्टोरी जो कि कितने ओल्ड है स्नोवी समिट स्टोरी के जितने ओल्ड है कहानी के जितने ओल्ड हैं इन स्टोरी द लॉन्ग लाइट हुज लॉन्ग लाइट लॉन्ग लाइट ऑफ सन शेक्स अक्रॉस द लेक तो क्या है लेक है और लेक का जो पानी है मान लीजिए कोई लेक है और लेक में पानी है सो वैन द सन रेज फॉल ऑन इट सो इट सीम्स दैट दन लाइट इज सिवरिंग एंड द वॉटर इज सिवरिंग और वो वाटर को हिला रही है वो आपने विटनेस किया होगा कि जब किसी वाटर बॉडी के ऊपर जब धूप गिरती है तो क्या होता है वो हिलती हुई नजर आती है तो दैट इज द लॉन्ग लाइट शेक्स अक्रॉस द लेक एंड द वाइल्ड कैटरैक्ट कैटरैक्ट मीन्स वाटरफॉल कैटरैक्ट इज

Of human being, that's, it's jumping. So, it is an example of personification. It is the example of personification. तो यहाँ पे देखिए चार लाइन है सन कहाँ कहाँ गिर रही है द splendor फॉल्स ऑन द castle वॉल Castle वॉल पे गिर रही है और किस पे स्नोवी समिट्स पे और किस पे अक्रॉस द लेक और किस पे कैटरैक्ट पे तो सनलाइट जो है यहाँ यहाँ गिर रही है और हर जगह जहाँ पे सनलाइट गिर रही है द सीनरी इज़ ब्यूटिफुल नाउ द पोएट आज द ब्यूगल देखिए ब्यूगल क्या होता है एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल ब्यूगल ठीक है तो अब ये डायरेक्ट एड्रेस करते हैं ब्लूग ब्यूगल को ब्लो ब्यूगल ब्लो ब्यूगल तुम बजो तो जब नॉन लिविंग थिंग को या किसी भी चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं तो हम इसको कहते हैं एपिसट्रॉफी ए पी ओ एस टी आर ओ

साउंड जो है जब वो माउंटेंस पे जाता है तो क्या होता है कि देर इज इको इको ऑफ द साउंड सो द स्पीकर इज आस्किंग द ब्यूगल टू ब्लो एंड सेट द वाइल्ड इकोस फ्लाइंग एंड ब्लो ब्लो ब्यूगल आंसर ईकोज और जो इको आ रहे हैं उसको आंसर करो मतलब वन द म्यूजिक गोज म्यूजिक रिफ्लेक्ट्स बैक्स इन इको तो फिर ब्र्यूगल को बोल रहे फिर बजो डाइंग 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 सो वट इज डाइंग The dying music, music is dying when it goes to the, goes far. It reaches far, it reaches the mountain. So, this is the first stanza. The splendor falls on casual walls and a snowy summits, old in story. The long light sakes across the lake and the wild cataract leaps in glory. Glory. Blow bugle, blow, set the wild echoes flying. Blow bugle, answer echoes dying, dying, dying. Now, the next stanza is. उाउन हाक ओ हिय हाउ थिन एंड क्लियर ठीक है हाक अब देखिये ब्यूगल जो है इज हैज बिगन टू ब्लो ब्यूगल जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजना शुरू हो चुका है और यह बोल रहे हैं हाक वट इज द मीनिंग ऑफ हाक लिसन लिसन ह्य सुनो सुनो हाउ थिन एंड क्लियर वट इज द्ट इज थिन एंड क्लियर द साउंड ऑफ ब्यूगल द म्यूजिक

यहां पे दिस मस्ट बी द इन द नेक्स्ट लाइन एक्चुअली द हॉर्न्स ऑफ इल्फलैंड वट इज इल्फलैंड इल्फ इज अ क्रिएचर इज अ स्मॉल क्रिएचर विथ पॉइंटेड इयर्स पॉइंटेड इयर्स एक स्मॉल क्रिएचर जिसके पॉइंटेड इयर्स हो विथ मैजिकल पावर्स एक छोटा सा क्रिएचर परियों की तरह फेरीज की तरह माना जाता है विथ मैजिकल पाज अगर कोई स्मॉल क्रिएचर है जिसके पॉइंटेड ईयर्स हैं और उसके पास क्या है मैजिकल पावर्स है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं इल्फ तो ये बोलते हैं ये कैसी आवाज है जैसे इल्फ लैंड सेव है पिक्चर ऑफ इल्फ सच काइंड ऑफ थिंग्स सी अ स्मॉल क्रिएचर विथ पॉइंटेड इयर्स इट इज इल्फ सो पोइट सीज की हाक ओ हाक सुनो हाउ थिन एंड क्लियर एंड थिनर एंड क्लियर फादर गोइंग ये आवाज़ कितनी थिन और क्लियर थिनर एंड मोर क्लियर इट इज गोइंग फादर ओ स्वीट एंड फार फ्रॉम क्लिफ एंड स्कार कितनी स्वीटली है ये रिफ्लेक्ट कर रही है किस से क्लिफ से और स्कार से अगर कोई चोटी होगी कोई माउंटेन्स है तो वहाँ से जब आवाज़ होगा तो रिफ्लेक्ट होकर के आएगी तो ये बोल रहे कि ओ स्वीट फार फ्रॉम क्लिफ एंड स्कार द हॉर्नस ऑफ ऑफ इल्फलैंड फेंटली ब्लोइंग कि लैंड तो ये जहाँ पे इल्फ रहेंगे वो है इल्फलैंड तो ये बोल रही है म्यूजिक कैसा है जैसे हॉर्नस बज रहे हो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हॉर्न्स क्या है ब्यूगल या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो ये बोल रहे हॉर्न ऑफ इल्फलैंड जो है वो फेंटली ब्लो हो रहे हो तो अगेन ही आस द ब्यूगल ब्लो लेट अस हियर द पर्पल पर्पल ग्लीन रिप्लाइंग बजो ये ब्यूगल को क्या बोल रहे हैं अगेन एपोस्ट्रॉफी वो बोल हैं ब्यूगल तुम बजो ब्यूगल प्ले ऑन सो दैट वी कैन हियर योर इको योर रिफ्लेक्शन फॉर द फ्रॉम द पर्पल ग्लीन ग्लीन इज वैली ग्लीन इज वैली एंड वाई इट इज पर्पल बिकॉज इट हैज सनलाइट सो हियर पर्पल इज सनलाइट सो so, यहाँ पे सन लाइटेड वैली जो है सनलाइटेड वैली जो है दैट्स पर्पल ग्लीन बोलते हैं पर्पल ग्लीन देखो कैसे तुम्हारी आवाज को रिफ्लेक्ट करता है ब्लो बुगल एंडसर द इकोस नाउ द इको इज कमिंग सो ही सेज बिफोर द इको फेड्स ब्लो ऑन वंस अगेन एंड डाइंग 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 सो डाइंगट इज डाइंग द म्यूजिक दैट इज गोइंग फार एंड डाइंग म्यूजिक जो आगे जा रहा है और क्या हो रहा है खत्म हो रहा है धीरे धीरे नाउ लेट्स कम टू द थर्ड स्टैंड

तो यहां पर ये क्या हो गया दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ परसोनिफिकेशन फिकेशन वेन नॉन लिविंग थिंग इज प्रेजेंटेड एज लिविंग एग्जाम्पल ऑफ परसोनिफिकेशन ओ लव दे डाई इन योन योन मीन्स योंडर योंडर देयर योडर या दे सो दे डाई इन योडर रिच स्काई दे फेंट अगेन वॉट इज दे इज म्यूजिक दे फेंट अब म्यूज़िक जो है जब वो बहुत दूर 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 जा रही है तो जब वो हिल पे जा रही है या रिवर पे जा रही है या फील्ड पे जा रही है तो म्यूजिक गोस देयर एंड फेंट्स फिनिशेस देयर फेंट हो जा रही है फेंट होना मतलब बेहोश हो जाना तो म्यूजिक फेंट्स ओवर देयर ठीक है बिकॉज वैन वैन म्यूजिक द इको ऑफ द म्यूजिक रीचेज सो इट रीचेज अ लॉट ऑफ प्लेस जब इको ऑफ म्यूजिक जाएगा ब्यूगल का तो बहुत सारी जगह पर पहुंचेगा कहाँ हिल पे फील्ड पे रिवर पे तो पोएट क्लेम्स के इन सगा सारे जगह पर जाकर ये म्यूज़िक क्या हो जा रहा है फेंट हो जा रहा है ठीक है लेकिन ये बोल रहे हैं कि आवर इकोज जो हम इको कर रहे हैं हम भी वो लोग भी इको कर रहे हैं और उन तक जब म्यूजिक आ रहा है दैट इज रोलिंग फ्रॉम सोल टू सोल वो भी सोल टू सोल एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा रहा है एंड इट इज ग्रोविंग और ये खत्म नहीं हो रहा है ये हमेशा ग्रो कर रहा है फॉर एवर एंड फॉर एवर तो वी कैन ऑल्सो टेक इट लाइक दिस कि आवर इकोज क्या है ये इनकी पोएम जो है ठीक है ये सोल टू सोल तक गई है और हमेशा फॉर एवर ग्रो कर रही है आवर इकोज रोल फ्रॉम सोल टू सोल एंड ग्रो फॉर एवर एंड फॉर एवर ब्लो ब्यूगल ब्लो फिर से अगेन ही इज आस्किंग द ब्यूगल टू ब्लो और ये क्या बोलते हैं सेट द वाइल्ड ईको इज फ्लाइंग सो नाउ द दर इज ऑल अराउंड इज इको ऑफ ब्यूगल ब्यूगल के इको हैं तो बोलते हैं इस इको को फ्लाई करने दो एंड आंसर इको आंसर आंसर बोलते हैं ईको को फिर आंसर करो इको आ रहे हैं तो फिर जब आपने सुना होगा कि हिल्स पे लोग जाते हैं पहले बहुत जोर से बोलते हैं फिर उसके रिप्लाई में कुछ बोलते हैं तो ही सेज इन द ऑन द हिल्स दिल्स द पीपल हिल्स वैन द पीपल गो सो दे साउट्स Uh, at the top of their voice, at the pitch of their high pitch of their voice, and when the reflection comes, the sound reflection comes, they uh, s reply it back. So it in the same way it says the bugle to blow, bugle to create the music, and when it reflects ba back, before that it asks the bugle bugle to blow again, as in the answer of its own previous echo. And last, it says dying, dying, dying. So, what is dying? The music is dying, the day is dying. So, this is a poem, The Splendor Falls, by Lord Alfred Tennyson. Thank you.